हाय, माय नेम इज आशीष, गुड नमस्कारम। आज हम खड़े हैं NH8 के ऊपर। अभी ये वाली मैप के अंदर ये वाली सड़क हम करने वाले हैं पूरी सीधी लंबे तक, ठीक है। और अभी ये आपके सामने जो ट्रक गुजर रहा है ये NH8 है, राइट। जयपुर जा रहे हैं सर शायद, ये कई जगह और भी जा रहा है। हाँ, NH8 बहुत, हाँ, सीधा जा रहा है जयपुर के लिए। याद आया, सोना से भी अभी ये हो गया यार। यू विल सी नो पीपल गोइंग फ्रॉम सोना, इवन फ्रॉम KMP अलवर साइड, तो देयर इज स्टिल गुड ट्रैफिक। ये जो मेन डंपर है ना, ये यहीं से जाए यार, वहाँ से ना आए। नई नई सड़क बनती है ना, बोलो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में डंपर नहीं जाएंगे, वो बनाई उसके लिए रही है। कुछ अभी बना तो रहे हैं, लेकिन ये मेरे को लगता है कि जैसे ये वाला जो क्राउड आ रहा है दिल्ली से जो सीधा जयपुर जा रहा है, ये सीधा ही इसी पे चलता रहे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर ये यूज़ करेंगे, समथिंग हैज़ टू बी डन यार। टूटती बहुत है सड़क, है ना। अब जैसे क्या है, जो आप सड़क देख रहे हो सामने, अब इसके अंदर एक सड़क तो सीधी साफ दिख रही होगी आपको, दूसरी सड़क मिट्टी दिख रही है आपको। बिल्कुल, ये इसीलिए मिट्टी है क्योंकि दोबारा बन रही है, तोड़ दिया इन्होंने चला के भाई। जितने हैवी डंपर्स चलेंगे सत्यानाश हो जाएगा, तभी तो डेवलप्ड एरिया के अंदर रहने का मजा अलग होता है यार। ये न्यू गुड़गांव की वीडियो बना रहे हैं हम, नेगेटिविटी नहीं डाल रहा हूँ, डेवलपमेंट तो हो रही है। आई लव न्यू गुड़गांव, बहुत प्यारा, बहुत काम हमने कराया वहाँ पे। बट इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा जब डेवलपिंग स्टेज होता है तो थोड़े से यार सस्ती भी तो मिल रही है प्रॉपर्टी, ये भी बहुत अच्छी बात है। आई एम जस्ट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट न्यू गुड़गांव, बिकॉज़ द टैबू जो था न्यू गुड़गांव ये तो मानेसर है, वो हट गया, वो हट गया, अब हट गया, सब न्यू गुड़गांव ही बोलते हैं, कोई मानेसर नहीं बोलता। एंड आई फील अभी तो बस ऊपर ही है, कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होने वाला। तब से काम करेंगे जब मानेसर ही बोला जाता था। अच्छा, हम बोलते थे सेक्टर 81, अच्छा मानेसर नहीं जाना भाई, सर मानेसर नहीं, मानेसर नहीं जाना तो सारे, आज तो कोई बोलता नहीं मानेसर, मानेसर है सर। बट हम ये जमीन मिस कर रहे हैं जो एमटी लैंड पार्सल, एमटी लैंड पार्सल, ये है कि सामने कमर्शियल बेल्ट है, ठीक है, उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट हो नहीं रही है अभी, ठीक है, तो डेवलपमेंट हो नहीं रही है। तो एक बार ये डेवलपमेंट कोई आए, दूसरी सड़क पे मिलेगी आपको, SCO और इसके हैं वहाँ पे, अगेन वहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट इस टाइम यहाँ पे इस ज़मीन के ऊपर कमर्शियल लैंड खाली है, जो फ्रंट पट्टी है कमर्शियल की है, राइट। फर्स्ट कॉर्नर का जो आपको दिख रहा है सिग्नेचर ग्लोबल सनेरा, तो ओपनिंग ही अफोर्डेबल से हो जाए यार सड़क की, है NH8 की प्रॉक्सिमिटी है, प्राइजिंग अच्छा है, प्राइजिंग अच्छा ही है, और लोग रह रहे हैं, क्या बोले अब सिग्नेचर कॉलेज, और वो भी DLF की सबसे महंगी प्रॉपर्टी के बिल्कुल साथ सर। ऐसे एक DLF इतना महंगा बेच रहे हैं और अफोर्डेबल, कभी कितने प्राइस बढ़ेगा सर। आई हैड अ कस्टमर, ही वॉज आस्किंग मी दैट वेदर ही शुड एग्जिट फ्रॉम सनेरा और नॉट। एग्जिट का तो मतलब ही नहीं बैठता। एनीबडी यू बॉट अफोर्डेबल, वन डोंट एग्जिट, दूसरा डोंट बाय इट इन रीसेल आल्सो, अप्लाई कर दो। मैं भी वो तो रीसेल में तो सर लेना ही नहीं चाहिए। दूसरा क्या है कि फिर यू गेट इनटू लिटिगेशंस, राइट। हर एक एग्रीमेंट अलग अलग हुए हुए हैं, किसी एग्रीमेंट में 5 साल है, किसी एग्रीमेंट में 1 साल है ओरिजिनल अलॉटी का। मेन कैटेगरी, तभी तो ये जो 660 यार्ड्स हैं और इनकी फाइलें बहुत चेक करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई लॉ फॉलो ही नहीं करता। बाद में बस अड़ाएगी तो यू नो लाइक प्रॉपर्टी एजेंट्स ज़्यादा उनको लगता है अच्छा चाहिए, इन्होंने देना है। अरे भाई, बीच का लीगल वर्क, मैं किसी को अब्यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ना किसी को बता रहा हूँ कि ऐसे ये कि, बट दिस नॉर्मली हैपन्स, आई सी इट एवरी डे कि भाई, और मैं थोड़ा सा भाई कंजर्वेटिव आदमी हूँ, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सिक्योर वाला आदमी हूँ, तभी मेरे को लगता है फुल फोकस में आ गया सर, फुल फोकस में आ गया यार, सामने मेन रोड के ऊपर है ना। और अल्टिमा में व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द फ्यूचर लाइक, क्योंकि ऑक्यूपेंसी वाइज 1 साल पहले तक बहुत कम थी, अब जाओ तो इट इज 60-70% ऑक्यूपाइड। आई जस्ट फील वेरी डिफरेंट गोइंग इनसाइड अल्टिमा, क्योंकि न्यू गुड़गांव में 3 करोड़ रुपए के फ्लैट में वो भी लोग रह रहे हैं। आई डिडंट थॉट कि ये लोग रहेंगे, मैंने DLF ने मना दिया, बट कोई आएगा नहीं इतनी दूर। हाँ, बड़े वाले साइज का, और अभी इनका प्राइस राइज भी हुआ है। इट इज अनदर प्रॉपर्टी प्राइमस दैट आई ऑल्सो लाइक, प्राइमस एंड अल्टिमा दोनों ही, एक तो लोकेशन मेरे को प्राइमस की बहुत अच्छी लगती है, और अंदर अल्टिमा का भी क्लब हाउस तो देखो DLF अच्छा बना ही रहा है, और सस्ता भी नहीं बेचा यार, सस्ता नहीं बेचा तो पीपल एक्सपेक्ट लॉट फ्रॉम DLF, बनाना ही पड़ेगा अच्छा सर। बट लोग इतनी ऐसे लाइक समबडी हु कुड लिव ऑन गोल्फ कोर्स रोड, व्हाई आर दीस गाइस मूविंग टू न्यू गुड़गांव, जैसे किसी के पास 3 करोड़ का बजट है, व्हाट मेक्स देम शिफ्ट टू न्यू गुड़गांव, ये मेरे को समझ नहीं आता। एक ही है कि देखो, बड़ा साइज अगर किसी को लेना है ना तो कहाँ जाएगा बेचारा। न्यू गुड़गांव के अंदर एक ऑप्शन मिलता है कि प्रॉक्सिमिटी टू NH8 मिल जाता है, डेवलपमेंट हो रही है, अब किसी को 4,000 स्क्वायर फीट का लेना है, 3,000 स्क्वायर फीट का लेना है। 3 करोड़ वाले को तो मैं फिर भी बोलूँगा कि ही हैज़ ऑप्शन, प्रॉब्लम आती है 2 करोड़ वाले को।
तो 2 करोड़ वाले के साथ प्रॉब्लम ये है कि अच्छा कुछ एक्सटेंशन पे मिलता नहीं है, तो अच्छा मिलेगा उसको न्यू गुड़गांव में इस कैटेगरी में, रेडी टू मूव अगर आपको कोई अच्छी चीज लेनी है। समझ गया सर। अब यू हैव अ फोकस ऑन बेस्टेक आनंदा, पुरानी बनी हुई है, नॉर्मल सोसाइटी है, अच्छी है। बेस्टेक की आई थिंक काफ़ी नाम हुआ था जब से न्यू गुड़गांव बन रहा था। रीजनेबली प्राइस 1600-1700-1800 स्क्वायर फीट के फ्लैट हैं, छोटे भी हैं, मिक्स्ड है, 2 भी है 3 भी है, तो एक करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास का ठीक है। ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, टीथिंग प्रॉब्लम से हट गई है। और हम ऐसा नहीं है कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ, इट्स जस्ट दैट यू गिव यू एन इन्फॉर्मेशन कि क्या चल रहा है। एंड सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रैंड स्पा और बेस्टेक आनंद? ये लग्जरी हो गया। अगर किसी को 3500 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेना है ना, तो कोई ऑप्शन है नहीं। अच्छा, ज़्यादा। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे 6000 वाले डुप्लेक्स भी हैं, डुप्लेक्स हैं, और वहाँ पे एक अच्छी आपको स्पेशियस फ्लैट मिल जा रहा है। 81, 82, 83, 84, 86 तक भी आप कहीं भी चले जाओगे ना, इतने बड़े साइज आपके हैं नहीं। DLF Ultima और इसके अंदर बस सिर्फ यही कंपैरिजन, ये DLF Ultima क्यों नहीं प्रेफर होता बड़े वालों के लिए, इनका साइज़ बड़ा है। आई विश अगर ये ड्रोन ऊपर से जाता ना, यू हैव अ ब्यूटीफुल व्यू। इनके पेंट हाउसेज भी रीजनेबली प्राइज हैं, अगर आप देखोगे कि एक सोसाइटी ओके है, क्लब हाउस ओके है, नॉट द वेरी फैबुलस वन, बट अंदर जाओगे तो यू ग्रीन तो बेस्टेक का हमेशा रहा है कि ग्रीन इनकी सारी सोसाइटी प्रोबेबली वी कुड अटैच डिस्क्रिप्शन में लिंक जो हमने ड्यूप्लेक्स शूट किया है। हाँ भाई, अगर यू नो ड्यूप्लेक्स का लिंक शूट कर देना, हमने वाटिका के लो राइज फ्लोर में। मुझे लग रहा था कि आप बोलना नहीं चाहते, तभी आपने मिस ही कर दिया। हाँ ठीक है, अच्छा नहीं बोलना चाहता हूँ मैं वैसे तो, क्योंकि अभी क्या है कंपनी जो आराम से नीचे टर्न पे है ना, मैं कोशिश करूँ नाम ना लें, तो क्या है कि नॉर्मली प्रमोशन हम उसका भी नहीं कर रहे हैं, इनका भी नहीं कर रहे हैं। बट एक ये कि वाटिका के फ्लोर्स आए हैं सामने, तो वाटिका की ज़मीन है यार, इग्नोर कर नहीं सकते। एक टाइम पे बहुत बड़ा लैंड कंसोर्डियम था इनका, काफ़ी अच्छी लैंड बैंक इन्होंने रखी थी। अब किसी तरह से कंपनी जो है शेकी स्टेट, क्या करें, कांट डू एनीथिंग ना। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट अर्बन होम्स, अर्बन होम्स के साथ साथ इसका कमर्शियल बहुत अच्छा चल रहा है यार। देखो मैं एक चीज़ सरप्राइजिंग है कि न्यू गुड़गांव के अंदर जो भी जितनी भी सोसाइटियों के बाहर कमर्शियल हैं, सब ग्राउंड फ्लोर चल रहे हैं, और प्लस दे आर हैविंग अ प्राइस राइज ऑल्सो, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। नॉर्मली क्या होता है कि अब इसके आगे भी मेरे ख्याल से इसका आएगा, ये मेरे को सरप्राइज नहीं करता, ये तो पता था चलेगा। ये मेरे को सरप्राइज क्या चीज़ें करती हैं, अच्छा वी आर कम टू दैट एट द पॉइंट, वी आर हैविंग अ लुक एट माइक्रोटेक ग्रीन्सबर्ग विच इज ओके सोसाइटी मेरे हिसाब से, यू नो लाइक ऑन सेम टर्म्स विद, आई वुड नॉट से DLF के साथ, मतलब बराबर यू, इट्स रोटी चावल वाला हिसाब के। प्रोबेबली ग्रैंड स्पा के साथ इट इज अ कंपेरेबल प्रॉपर्टी वन कुड नहीं, ग्रैंड स्पा के साथ ये है कि ग्रैंड स्पा थोड़ा बड़ा साइज है, तो बड़ा साइज वालों के लिए इन टर्म्स ऑफ एमिनिटीज बात कर रहा हूं। एमिनिटीज हां, अगर एमिनिटीज बोलोगे तो इनका क्लब हाउस वगैरह क्वालिटी एमिनिटीज वो सब सेम ही है सर, ऑन द सेम ग्राउंड। या या पीछे लावण्या, विपुल लावण्या, जिसको भूल जाना ही अच्छा है, भूल तुझे उन्होंने बनाया भी वैसी है सर कि बोले कोई नहीं आ सकता, आराम से नहीं आ सकता, आराम से कोने का सोसाइटी। अगर कोई सिग्नेचर से सुन रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यू नो कॉम्पिटिटर्स का क्या है कि जिस प्लेटर के ऊपर आप सर्व कर रहे होते हैं ना, उसके अगर कोई और बिल्डर को प्लेटर पे सर्व कर रहा है, तो इट्स जस्ट दैट आई वांट दिस कंपनी टू यू नो, क्योंकि इसकी प्राइसिंग रीजनेबली रहती है कंपनी की ना, तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी अगर अच्छी है, बस पेस सब थोड़ा बढ़ा दो, पेस बढ़ा दो कंस्ट्रक्शन की, जल्दी एग्रेसिव लॉन्चिंग के ऊपर ऑलरेडी है ये। वैसे हाउ इज इट एज एन एंड कंज्यूमर बेड सर, अगर किसी को लेना हो, लाइक यू डोंट गेट एनीथिंग इन 70-80, क्या मिलता है यार 80, अगर इफ यू वांट टू इन्वेस्ट ठीक है चले, 2 BHK प्लस आई थिंक रूम है, ओके रिपोर्ट है। एंड डू यू फील इट इज गुड इवन एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी? या दिस होल बेल्ट जितना पास के अंदर है, देखो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए देखो ये आई वुड सजेस्ट कमर्शियल्स, वो भी ग्राउंड फ्लोर के मत्थे की। अब सरप्राइजिंग बात यह है इन्वेस्टमेंट और ये चीज़ें एंड यूजर प्रोडक्ट है वैसे, ओके इन्वेस्टमेंट बढ़े तो की 100% बढ़ेंगे, उसमें कोई फैक्ट नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट हो जाता है हर महीने कुछ घंटी अच्छी बजे। अब जैसे ये दुकान है, दिस इज ऑल्सो सरप्राइजिंग मी, SS का और आनिया है, उम्मीद ही नहीं है भाई SS से दे विल गेट द लीज डन, बट सरप्राइजिंगली ग्राउंड फ्लोर इज ऑल सोल्ड आउट। इवन यू लुक एट द आयरिश, एवरीथिंग दे गेटिंग लेजिट ब्रांड्स यार,
आईरिस जैसे दीज गाइस आर फोकसिंग एट द प्राइस पॉइंट दीज गाइस आर सेलिंग, मेरे को नहीं लगता था न्यू गुड़गांव में कोई बेच भी पाएगा एंड वो प्री लीज करके एक रिटर्न के साथ एक रेंटल यील्ड के साथ बेच रहे हैं, देयर स्ट्रेटजी इज वेरी डिफरेंट. बट अगेन यू नो इतना एक्सपेक्ट नहीं होता, लेकिन मैं भी खुद भी सरप्राइज हूँ कि इतना प्राइस निकालने के बाद ब्रांड भी ले आए और ऑक्यूपाइड भी है. दिस इज लाइक दिस इज करोमा पिज्जा हट, लेजेंड ब्रांड है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी इस सड़क के ऊपर कहीं भी. लाइक वी गोना कवर द होल न्यू गुड़गांव एंड गोना चेंज द पर्सपेक्टिव हाउ पीपल थिंक अबाउट कमर्शियल प्रॉपर्टीज. हाँ बिल्कुल फंस सकते हो, 100% फंस सकते हो अगर यू नॉट यू अगर तुमने दो सेकेंड फ्लोर की पीछे की दुकान ले ली तो व्हेन डू यू थिंक दैट विल गेट लीज. फर्स्ट पीपल वुड प्रेफर ग्राउंड, दूसरा फर्स्ट पूरी भरनी चाहिए, देन यू आर एट द मर्सी ऑफ द बिल्डर, देन यू आर एंड देन योर मर्सी ऑफ दैट दैट वाज योर सिलेक्शन. सॉरी फ्रिकन यू नो एक्सक्यूज माय फ्रेंच, बट दैट वाज योर सिलेक्शन दैट यू चोज कि सेकंड फ्लोर की पीछे वाली दुकान दोगी. तो व्हाट डू यू वांट, तूने मांगा ही वही था कि ग्राउंड फ्लोर पहले बन जाए, ऑक्यूपाइड हो जाए, फर्स्ट फ्लोर पूरा ऑक्यूपाइड हो जाए क्योंकि मेरे को लगता है मैं होएगा, उसके बाद सेकंड फ्लोर का भी सामने वाला हो जाए, उसके बाद मैंने पीछे की दुकान ले रखी है. तो बाबा आप सिलेक्ट तभी करते हो जब आप जब डिसीजन ले रहे होते हो ना, तब सोचो. डिसीजन लेने के बाद यार चढ़ी नहीं, अरे भाई अगर फर्स्ट पे है तो ग्राउंड पूरा हो गया क्या, या तो पहले पूरा ग्राउंड भर जाने दो उसके बाद ही आएगा नंबर आपका यार. ये समझ के चलो. मैं ग्राउंड फ्लोर इसीलिए नहीं बोलता कि वो बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे को पता है कि ग्राउंड फ्लोर और उससे भी सिलेक्शन क्या है. मैंने क्यों नहीं बोला कि पीछे की ले लो, पीछे ग्राउंड फ्लोर भी कहता हूँ फ्रंट की लो, क्योंकि पहले फ्रंट भरेगा फिर ग्राउंड फ्लोर का हल्का पीछे जाएगा, ये भरेंगे उसके बाद बंदा फर्स्ट पे जाएगा फिर सेकंड पे जाएगा. लाइक सम ऑफ द बिल्डर्स हैव गिवन अ ट्रेमेंडस रिटर्न, ट्रेमेंडस रिटर्न कैपिटल राइज प्लस रेंटल एश्योरेंस, जहां पे सेकंड फ्लोर पे भी फर्स्ट फ्लोर पे भी ऑक्यूपेंसी है एंड यू नो इट इज एन इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन से कि हाँ भाई इन्वेस्टमेंट करिए. नहीं तो क्या करा है. देख रेजिडेंशियल लेके प्राइस ग्रोथ हो रहा है कंस्ट्रक्टेड के ऊपर, लेकिन बहुत थोड़ा रहता है. ठीक है, गुड़गांव बीइंग फ्रॉथी मार्केट, क्योंकि कस्टमर अक्से अगर आप ज़्यादा चार्ज करोगे ना रेंटल तो वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह चला जाएगा. तो अगर डेवलपमेंट होती जा रही है कमर्शियल की तो थोड़ा सा यू नो शिफ्टिंग रहती है, लेकिन ये उसी में रहती है कि या तो आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा राइज हो गया और वो रेंटल सपोर्ट ही नहीं कर रहा एकदम से फ्रॉड, जैसे कुछ अच्छे ब्रांड्स के साथ ही हुआ है. सर मुझे भी लगता है कि आप जो बोलते हो कि ग्राउंड फ्लोर रोड फेसिंग शॉप ले लो, तो आपका मतलब है कि अगर ये 400-500 करोड़ रुपए का कमर्शियल चल रहा है तो आपकी दुकान तो चली रही है. आई थिंक फेल होने का भी कोई रीजन होता है. एक तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, एक तो मेन रोड पे लो सिलेक्शन है. ऐसे नहीं बोला कि आपको पीछे खुंड में जाके 70 के अंदर मैंने बात करी थी पीछे, मैं नहीं बोला कि वहां पे जाके पीछे की दुकान ले लो भाई. राइट, मेन रोड के ऊपर ग्राउंड फ्लोर के, इट इज बाउंड दैट यू विल गेट मंथली रेंटल एट अ हाइक. आपको 6-8% 9% तक भी अगर आप ओरिजिनल वैल्यू पे लोगे, एक तो वो मिल रहा है. सर अभी हम देख रहे हैं प्लस के अंदर यू नो कैपिटल एप्रिसिएशन MR 89 MR. देखो SEO के अंदर, ठीक है SEO देख रहे हैं, अच्छी बात है. ठीक है, अब इसके अंदर ट्रैजेक्टरी SEO का प्राइसिंग भी मेन पार्ट है. ठीक है, अब मैं बोलूँ ये ले लो, देखो सबका पॉकेट साइज नहीं होता है. ठीक है, सबका पॉकेट साइज नहीं होता है. SEOs के अंदर दिस इज एन ओके रिपोर्ट, बट आई वुड इफ आई हैव टू मेक अ चॉइस आई वुड यू नो लाइक से आई डोंट वांट टू प्रमोट. ये ऐसा नहीं है कि मैं MR नॉट वी आर नॉट सेलिंग और प्रमोटिंग, इट्स जस्ट दैट कि एक टाइम होता है, एक टाइम फ्रेम होता है कि कब प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए. SEO के लिए यहाँ पे पहले चेक करो कि ये जो बाकी कमर्शियल चल रहे हैं अभी तो सारे इस सड़क पर चल रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन SEO कब आएगा. एक बड़ी ब्रांड को देना है, उसके ऊपर प्राइसिंग क्या आ रही है, तो मेरे को वो फिगर्स इस टाइम साउंड नहीं लग रही है थोड़ी. मुझे लगता है कि पैसे का ना जैसे ही लगाओ उसी टाइम से एक साल के अंदर आपका कुछ एक्शन शुरू हो जाए. यहाँ पे मुझे एक साल का एज अ प्राइस पॉइंट एक्शन उस रेट पे नहीं दिखाई देता, इसलिए मैं अवॉइड करूंगा. MRG का अफोर्डेबल देख रहे हैं, क्या बात करें यार अफोर्डेबल के बारे में, बताओ क्या अफोर्डेबल. तो अफोर्डेबल ओके रिपोर्ट है, बन गया जिसका निकला है भाई, बंदा बना रहा है, कंस्ट्रक्शन अपडेट ही ले लो एक तरह से, कि हमने ड्रोन दिखा दिया कि भैया बना रहा है, चल रहा है काम, कहीं भाग नहीं रहा, चल रहा है काम, उतना ही बहुत बड़ी बात है. तो इसके बारे में ये भी और आगे भी दोनों ही MRG बालकनी एंड अल्टीमस. या देख जमीन सिलेक्शन अच्छा है, जमीन का सिलेक्शन अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो पीछे ये आपका स्पेस भी द एड्रेस अगेन बन के लोग रह भी रहे हैं. यहाँ पे आगे DLF के फ्लोर बोलना ठीक नहीं होगा अभी. तो ये कि DLF इज कमिंग अप विद द फ्लोर्स, तो यू नो लाइक वो भी 93 के अंदर अच्छी लोकेशन है.
What is this? This Woodview Residences. Woodview. उसके plots हैं sir. Yeah. So again, plots यहाँ पे भी अच्छा perform कर रहे हैं. पिछले एक ये builder Insignia है इसका. RUF Insignia. इनको मैं बोलूँगा suggest करो भाई, please जो अपना एक बार floor बेचना है, नहीं बेचना, बेचना है, बेचना है. ये customer के साथ करोगे ना, तो गलत है. तो you have to like, किसी ने मुझे पूछा था, what are the issues? I don't have any issues, but issues ये होते हैं, इनके खुद के साथ issues होते हैं. एक बार ये काम करना है, पैसे मंगवा लो, फिर नहीं करना, फिर पैसे वापस दे दो. तो this is about your company's reputation, यार. It is about your commitment to people, कि भैया क्या चल रहा है. तो उसके लिए एक ये था कि यू नो लाइक, बट सर आरयूएफ का अभी अफोर्डेबल भी बन रहा है, प्रोबेबली फिफ्थ फ्लोर सुपरस्ट्रक्चर तक जा चुकी है, कंस्ट्रक्शन हो रही है. मुबारक हो, तालियां बना देंगे सर. आपको क्या लगता है यार, बन रहा है ना यार. मेरे को लगने का, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूँ यहाँ पे, ठीक है. तो बन ही जाएगा, बना रहे हैं. ड्रोन्स का ये रहता है, एक हमको पता लग जाता है कंस्ट्रक्शन हो रही है नहीं हो रही, लेबर है कि नहीं है. बिल्कुल, जहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ, सिग्नल दे रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो लेबर का क्या है कि भैया देखो, हर एक अच्छा बंदा जिसने काम पूरे टाइम पे लिया, वो लेबर के ऊपर, अगर साइड पे जाओ लेबर दिखनी चाहिए भाई, काम होता रहना चाहिए. डीएलएफ के भी फ्लोज सर जो आ रहे हैं वो इसके पीछे ही आ रहे हैं, प्रोबेबली विल कवर फ्रॉम द अदर वीडियोज एंड पीपल बी. एंड डीएलएफ के साथ तो यार अच्छा चाम रहता है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, प्राइस ज्यादा मांगता है. बट आई थिंक ले लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती डीएलएफ के साथ. जब बना के खड़ा कर देता है ना, तो एक तो कभी आपको कंस्ट्रक्शन की नहीं लगती कि भैया कोई वीकनेस है वहां पे, मेंटेनेंस पे इशू नहीं आएगा, क्लब हाउस पे इशू नहीं आएगा सर. वो टेंशन फ्री प्रॉपर्टी है, लैंड लैंड यू हैव टू नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ. लास्ट प्रॉपर्टी ऑन दिस रोड इज ओरिस, आफ्टर दैट वी गोना रैप इट अप. मार्केट 89 सर, पता नहीं दीस गाइस वर सेलिंग लॉट ऑफ थिंग्स प्री लीज. मेरे को समझ नहीं आया कि वुड दीस गाइस, आई वुड लाइक टू अवॉइड दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि अभी इनका मेन जो जंक्शन है ना, देखो पटौदी रोड, पटौदी रोड है बिल्कुल पास में, हाँ जी, बट वो जंक्शन क्लियर हो जाए. समझ गया यार, जल्दबाजी नहीं है. मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज ना जल्दबाजी के अंदर मत लो. एक एक टाइम होता है कि मैं पैसे लगाऊंगा और मेरा रिटर्न शुरू हो जाएगा, तो आराम से बन लेने दो. या तो इसको बाय करते हैं आप पहले जब ये बन रहा था, अब एक बार वेट कर लो फिर. समझ भाई साहब प्लीज, बहुत सारी चीजें देखो मिस हो जाती हैं. एक तो क्या रिटेंशन के अभी देखना पड़ता है, 17-18-19-20 मिनट की वीडियो हो जाती है. उसके बाद देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, बट यू नो आई कांट. इफ अगर हम तो दो घंटा बात कर ले, घंटा बात कर ले, बट इट्स मोर अबाउट यू नो, इफ यू गाइज वॉन्ट टू टॉक अबाउट, आई थिंक यू शुड बेटर call us. So that's pretty much it, yeah. We're not going to extend it. So we're going to see you next time in another video, Dusri Sadak ke saath, right? Thank you. Like, so subscribe, jarur kar dena bhai. Thank you. Please like karna, please. Thank you so much. Done. See you next time. Bye.